करंट अफेयर्स हेडलाइंस। इमैनुअल मैक्रॉन ने फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव जीता। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अजलान शाह कप जीता। बाहुबली 2 भारतीय सिनेमा की 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का निधन। गुप्त मिशन के बाद अमेरिका का अंतरिक्ष यान वापस लौटा। हिना सिद्धू ने प्ले जेन निशानेबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की सूची में हिंदुजा बंधु टॉप पर। नितिन गडकरी ने जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया। करंट अफेयर्स विस्तार से। इमैनुअल मैक्रॉन ने फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव जीता। 39 वर्षीय इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। मैक्रॉन को उदार मध्यमार्गी माना जाता है। उनका मुकाबला दूर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन से था। इमैनुअल मैक्रॉन एक पूर्व बैंकर हैं, जिन्होंने महज 5 वर्ष पहले राजनीति में कदम रखा था। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अजलान शाह कप जीता। ग्रेट ब्रिटेन ने 23 साल के बाद सुल्तान अजलान शाह कप खिताब अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन ने वर्ष 1994 में एकमात्र खिताब हासिल किया था। 9 बार की चैंपियन रह चुके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। बाहुबली 2 भारतीय सिनेमा की 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी। बाहुबली 2 ने भारतीय सिनेमा के 105 वर्ष के इतिहास में 1,000 करोड़ का बिजनेस रिकॉर्ड कायम करके नया अध्याय जोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म 1,500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। YouTube पर फिल्म का वीडियो विश्व में सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला 6वां वीडियो बना। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का निधन। देश के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो 1978 में दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई। उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा ऑन बैलेंस एक प्रसिद्ध पुस्तक रही। गुप्त मिशन के बाद अमेरिका का अंतरिक्षयान वापस लौटा। अमेरिका वायुसेना का मानव रहित अंतरिक्षयान X-37B गुप्त मिशन के बाद नासा के फ्लोरिडो स्थित कनाडा स्पेस सेंटर पर उतरा। इस विमान ने 700 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहकर विभिन्न प्रयोग किए, जिसे गुप्त रखा गया है। यह अमेरिका वायुसेना द्वारा किया गया 4th सबसे बड़ा गुप्त अंतरिक्ष प्रोग्राम था। हिना सिद्धू ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। हिना सिद्धू ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 7 पदक हासिल किए। चैंपियनशिप के अंतिम दिन हिना ने 8 महिलाओं के बीच हुए फाइनल मुकाबले में 218.8 का स्कोर बनाया। ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की सूची में हिंदुजा बंधु टॉप पर। ब्रिटेन द्वारा जारी की गई सबसे अमीर लोगों की सूची में हिंदुजा बंधुओं का नाम सबसे ऊपर है। हिंदुजा बंधुओं के अलावा इस सूची में 40 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के नाम शामिल हैं। अन्य भारतीय अमीरों में डेविड और सिमोन रूबेन का नाम भी शामिल है। नितिन गडकरी ने जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में गेहूं का भूसा, कपास के डंठल, गन्ना कचरा, मकई के पौधे आदि के उपयोग करने से प्रतिवर्ष 1 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। बायो रिफाइनरी में सभी उत्पाद जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशकों द्वारा बनाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि फसलों के अपिष्टों को जलाने से घातक काला कार्बन निकलता है, जिससे हिमालय के हिमखंडों का क्षय हो रहा है।